वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो। तो आज आप इस वीडियो में स्टडी करेंगे कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है सोयाबीन का? बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। इसका ओरिजिन प्लेस है चीन और इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी और इसका टूवेन या फिर क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 40। और इसमें जो प्रोटीन होती है सोयाबीन में 40 से 42% पाई जाती है और इसमें जो ऑयल होता है वो 20% पाया जाता है। कितना परसेंट होता है? 20%। ठीक है। और जो सोयाबीन के बोने की जो बीज की गहराई होती है, किस गहराई पर सोयाबीन के बीज को रखते हैं, तो वो है 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यदि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही और ढेर सारी वीडियो आपको मिलेगी जिससे कि आप स्टडी करेंगे और यूपी गेट का एग्जाम क्रैक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सोयाबीन को वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। सोयाबीन में सबसे अधिक उत्पादन किस देश का होता है? सोयाबीन का जो उत्पादन है विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो वह है यूएसए में। सोयाबीन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो नंबर एक पे है मध्य प्रदेश, नंबर दो पे है महाराष्ट्र एंड नंबर तीन पे है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन की फली को क्या कहते हैं? तो सोयाबीन की फली को पोड कहते हैं। सोयाबीन को अमेरिका का रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोयाबीन को अमेरिका का रत्न। सोयाबीन को हड्डी रहित मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन 40 से 42% पाई जाती है, इसलिए सोयाबीन को हड्डी रहित मांस कहा जाता है। सोयाबीन को गोल्ड ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोयाबीन की प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? वो है लाइसिन। अब हमें देखेंगे सीड रेट क्या है। तो सोयाबीन का जो सीड रेट होता है वो होता है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग देखेंगे 30 से 45 × 15 से 20 सेंटीमीटर। 30 से 45 क्या है? प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है, और 15 से 20 रो टू रो डिस्टेंस। नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर कितने होते हैं? 300,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। सोइंग टाइम देखेंगे 15 जून से 15 जुलाई। क्या है? 15 जून से 15 जुलाई। सोयाबीन की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वो पर्यावरण से नाइट्रोजन को एकत्र करके सोयाबीन की या फिर लेग्यूमिनस पौधों की गांठों में एकत्र करता है, और जो गांठें होती हैं वो हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। तो वैसे ही सोयाबीन की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, उसका नाम है राइजोबियम जपोनिकम, ठीक है। क्या है? राइजोबियम जपोनिकम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को